जो हम लोग की लाइफ में, हम लोग की हैप्पीनेस में, या एक तो सिंपल सा जो प्रिंसिपल है जो कहता है कि 80% रोल प्ले करता है हम लोग के सक्सेस में हमारा माइंडसेट, और हम लोग की जो हैप्पीनेस है उसमें वो 40% प्ले करता है। वो एक रिसर्च है, वो उसको लेकर हम लोग क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि हम लोग को कोई कंफ्यूज ना कर पाए, डेविएट ना कर पाए। देखिए अल्टीमेटली एक स्टेटमेंट है एरिस्टोटल का, अरस्तु का, वो मैं आज ही मेल में मैं पढ़ रहा था, वो उनका मैसेज ये था कि पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसका बस एक ही गोल है, दैट इज हैप्पीनेस। हम लोग लाइफ में जो भी करते हैं, जो भी करते हैं, हम लोग सीखते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, केवल सिंगल एक आउटकम होता है हैप्पीनेस। और एक हैप्पीनेस की एक रिसर्च है, हमारी जो हैप्पीनेस है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। 50% डिपेंड करती है हमारे DNA पे, हमारे एंसेस्टर्स की क्या थिंकिंग रही है उस पर डिपेंड करती है। 40% डिपेंड करती है हमारे माइंडसेट पे, हम लोग के बिलीफ, हम लोग का जो माइंडसेट जिसमें हम लोग वर्क करते हैं। और केवल 10% डिपेंड करती है, जिसको हम लोग कई बार बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, जो भी हम लोग की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर केवल 10% डिपेंड करती है। तो एक सिंपल सा एक मैसेज है कि अगर हम लोग का जो माइंडसेट है, अगर हमारे हैप्पीनेस में, सक्सेस में इतना बड़ा रोल प्ले करता है, तो हमें कंसिस्टेंटली एटलीस्ट डेली 20 मिनट्स तो इसके लिए निकालना पड़ेगा। इस चीज को हम लोग को समझना है, क्योंकि देखिए जो की प्लेयर है, अगर हम लोग उसके लिए 20 मिनट्स नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर हम लोग जो ऑप्टिमल है या जो बेस्ट है उस पर हम लोग फंक्शन नहीं कर पाएंगे।